दिन में 1:30 बजे सिर्फ DD उर्दू पर। अहद-ए- वुस्ता का अहम शहर ओरछा मध्य प्रदेश में वाक़े है। ये शहर अपनी शानदार तारीखी विरासत की जिंदा झलकियाँ अपनी गोद में लिए हुए है। इस शहर में मौजूद किले, महल, छतरियाँ और मंदिर सबके सब यहाँ के बहादुर राजाओं और उनकी दैरीना शान और शौकत की कहानी बयान करते हैं। ओरछा में पत्थरों से तराशे हुए बहुत से फने तामीर के अजूबे खूबसूरत, पुरकशिश, बावकार और सेकुलर अकदार से इबारत हैं। ओरछा एक ऐसी सरजमीन है जहां जैसे वक्त ठहर सा गया है और तारीख आज भी उन लोगों की अजमत को सलाम कर रही है जिन्होंने यहां की तारीख रकम की है। बेतवा नदी के किनारे पर बसा ओरछा उन लोगों के लिए ख्वाब की ताबीर है जो इस शहर की तारीखी विरासत को देखना और समझना चाहते हैं। पूरे शहर में छतरियां, महलात, मंदिर, मकबरे और यादगारें भरी हुई हैं। ओरछा की सैर की शुरुआत करने के लिए सबसे मुनासिब जगह यहाँ का किला है। यहाँ बहुत से मंदिर और महलात हैं जो किलों की आन बान में इजाफा करते हैं। राय परवीन महल इस बात की जिंदा मिसाल है के हकीकी इश्क कुछ भी करा सकता है। महल में दाखिल होते ही यहां का सुकून और सादगी मशहूर कर देते हैं। इस महल की तामीर राजा इंद्रमणि ने 16वीं सदी में करवाई थी। इस तामीर में उस मोहब्बत को दखल था जो उन्हें अपने दरबार की एक शायरा और मौसीकारा परवीन से थी। कहा जाता है कि परवीन इंतहाई हसीन थी। उसके हुस्न के चर्चे इस कदर फैले के शहंशाह अकबर तक पहुंच गए। अकबर ने राय परवीन को अपने दरबार में दिल्ली तलब करने के लिए बाकायदा एक फौज रवाना की। राय परवीन ने विदाई के वक्त राजा इंद्रमणि से वादा किया कि वो जल्द ही पाक दामन और इज्जत के साथ वापस आएगी। राय परवीन ने अकबर को यकीन दिलाया और मना लिया कि वो इंद्रमणि से बेहद मोहब्बत करती है, तो उसे वापस ओरछा भेज दिया गया। उसकी वापसी के मौके पर राजा ने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए राय परवीन महल तामीर करवाया था। हालांकि महल का फने तामीर इंतहाई सादा है, फिर भी इसकी दीदा जेबी देखते ही बनती है। महल का चमन बेहद खूबसूरत है। महल की दीवारें अगरचे खस्ता हाल हो गई हैं, मगर इनमें बने ताक डिजाइन के एतबार से निगाहों को खीरा कर देने वाले हैं। यहाँ बुंदेल पेंटिंग्स अब भी बाकी हैं। दीवारों पर बनी इन पेंटिंग्स में इस महल की हसीनो जमील मलिका राय परवीन की तस्वीरें बनाई गई हैं। महल के बालाई हिस्से से शश जहती फूलों की क्यारियों का नजारा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये फूल उतने खूबसूरत नहीं जितनी राय परवीन थी। राय परवीन महल में राय परवीन के आराम का ख्याल करते हुए छोटे छोटे हुजरे बनाए गए हैं। ये हौसनुमा हुजरे गर्मियों में ठंडे पानी से भरे जाते थे और महल को ठंडा रखते थे। यकीनन इस महल की सैर सहर अंगेज है। राय परवीन की यादों को जहन में बसाए अब हम ओरछा के किले के मरकजी महल की तरफ चलते हैं। ये महल 17वीं सदी में राजा बीर सिंह देव ने तामीर कराया था। महल की तामीर मुगल बादशाह जहांगीर की आमद पर इस्तकबालिया के तौर पर हुई थी, इसलिए इसका नाम जहांगीर महल है। ये महल इस एतबार से मुनफरिद है कि इसकी तामीर में हिंदू और मुगल तर्ज तामीर का संगम दिखाई देता है। इसकी छतरियां और संतराशी इस तहजीबी संगम का बेहतरीन नमूना है। महल के सहन में दाखिल होते ही
इसके रंगीन गुंबद, मंदिरों के आसमान छूते मीनार और असीमुशान छतरियां हमें दम्बाखुद कर देते हैं। महल दो मंजिला इमारत पर मबनी है। इसकी यादगारें और जगह जगह की गई नाजुक दस्तकारी काबिले दीद है। महल में बाहर की तरफ से जर्क बर्क नक्काशी है, लेकिन अंदर की जानिब छतों पर सादा बुंदेल नक्काशी की गई है। बाहर के मुकाबले अंदर से महल सादा है और ऊंची ऊंची छतों पर हर तरफ बुंदेलखंड की फनकारी के नमूने दिखाई देते हैं। जहांगीर महल उस अहद की फनकाराना कोशिशों की एक आला मिसाल है। जहांगीर महल की दो मंजिला छत पर ताज की तरह बनी इन छतरियों से गुंबदों, मीनारों और यादगारों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। जहां एक तरफ जहांगीर महल की शान और शौकत देखते ही बनती है, वहीं इसके करीब ही एक और महल है जिसकी सादगी बेमिसाल है। राजा मधुकर शाह का तामीर करता ये महल राजमहल कहलाता है। मजहबी मिजाज के इस राजा ने महल की तामीर में सादगी पसंदी को फौकियत दी है। जहांगीर महल के सामने कुछ दूर पत्थरों से बने रास्ते पर जाएं, तो हम एक पत्थर की इमारत तक जा पहुंचते हैं। ये इमारत ऊंट घर के नाम से मशहूर है। ये जगह दरअसल राजा बीर सिंह की फौज के ऊंटों का अस्तबल हुआ करता था। इस शाही अस्तबल में ऊंची ऊंची दीवारों के मुख्तलिफ साइज के हुजरे बनाए गए थे। अस्तबल की औसत आज भी बुंदेल राजाओं की शान शौकत का अक्स पेश करती है। जहांगीर महल के सामने एक और खूबसूरत तारीखी इमारत जो सयाहों की तवज्जे अपनी तरफ खींचती है, राजमहल है। ये एक मुरब्बा शक्ल इमारत है और किले की दीगर इमारतों की बनिस्बत ये राजमहल अपनी एक सादगी भरी शान रखता है। राजा मधुकर शाह राजा बीर सिंह की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। जहांगीर महल के सामने वाके राजमहल इन्होंने तामीर करवाया था। मजहबी सोच वाले राजा मधुकर शाह के जरिए तामीर ये सादा महल सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश मकाम है। हर चंद के यहाँ तामीरी एतबार से बहुत सी खसूसियात ना हों, लेकिन इसकी दीवारों और छतों पर की गई मुसव्वरी इस बात की गवाह है कि राजा आर्ट के तई कितना आला जौक रखता था। महल का ये आर्ट आज तक इसे अहम तारीखी और सियाहती मरकज बनाए हुए है। किले की एक और अहम जगह दाऊ जी की कोठी है। मजे की बात यह है कि बुंदेलखंड और इस किले की तारीख में दाऊ जी नाम का कोई अहम आदमी नहीं मिलता, तो फिर ये दाऊ जी कौन है और इस कोठी की क्या अहमियत है? दरअसल किले की दूसरी इमारतें जहां बादशाहों के इश्क की निशानियां हैं, वहीं कुछ आम लोगों की यादगारें भी किले में मौजूद हैं। दाऊ जी दरअसल शाही अस्तबल के एक मुलाजिम हुआ करते थे। अपनी खूबसूरत बीवी के साथ इस घर में रहने वाले दाऊ जी की बीवी पर बादशाह फरिफ्ता हो गया। उस इज्जतदार जोड़े ने इस बात से दिल बर्दाश्ता होकर कुएं में कूद कर जान दे दी। उन दोनों के प्यार की कहानी एक तारीखी दास्तान बनकर मशहूर हो गई। किले में वाके इस घर में झाड़ झंकार के बजाय दाऊ जी की नस्लें आज भी जिंदा होती अगर उन दोनों को जिंदा रहने दिया गया होता। ओरछा से सबसे करीब तरीन मकाम झांसी है। ओरछा आने वाले झांसी जरूर जाते हैं और सयाहों की पहली मंजिल होती है बरवा सागर झरना। अब से 300 साल कबल ओरछा के राजा उदित सिंह ने झांसी में बरवा सागर झरने पर एक झील बनवाई थी। ये झील मराठों और बुंदेलों की जंगों की गवाह है।
कहा जाता है कि झील कभी नहीं सूखी। बरवा सागर झील इतनी वसीओ अरीज है कि इसको देखकर समंदर का गुमान होता है। इसका पानी आज भी सूखा नहीं है और गुजरे अहद की कहानियां सुना रहा है। इस झरने का शफाफ और शीरी पानी थके मांदे मुसाफिरों की प्यास का मतावा है। झरने के पास ही एक आलीशान किला है। किले के अहाते में दाखिल होते ही चारों तरफ खुशगवार हरियाली दिखाई देती है, जिसके बीच कुछ खंडरात खड़े हैं। बरवा सागर किले के बारे में अलग अलग दास्तानें हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये किला बुंदेल फरमा रवा इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये बरवा सागर झील के एकदम नजदीक है, इसलिए इसमें बुंदेल राजा शानो शौकत और आराम के साथ रहा करते थे। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि बरवा नाम का एक डाकू हुआ करता था, जिसने मकामी लोगों को मार मार कर झील में फेंक दिया था। इसी मुनासबत से झील का नाम बरवा सागर पड़ा और किला भी इसी नाम से मशहूर हो गया। आज भी ये एक राज ही है कि यह किला किसने बनाया था और इसमें कौन रहता था। यह किला दो मंजिला और सादा है। ओरछा के किले जैसी नक्काशी और तस्वीरें यहां नहीं है, बस कुछ पत्थरों से तराशी हुई मूर्तियां हैं जो शायद इस किले की जेबो जीनत रही होंगी। किले में एक ज़ियारत गाह भी है जो किले के मुकाबले नई नई बनी लगती है, लेकिन उस अहद से ताल्लुक रखने वाला मंदिर अभी यहाँ मौजूद है। ये मंदिर शिकस्ता हालत में है, मगर उस अहद की शान और शौकत का मजहर है। इस किले की कहानियां सुन चुके हों तो आइए दूसरी जगह चलते हैं, जो बरवा किले में तामीरी विरासत के नुकसान की तलाफी कर सके। जारे का मठ के नाम से मशहूर ये जगह दरअसल विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में कुछ शानदार फनकारी के नमूने मिलते हैं। मंदिर की मूर्तियां वक्त के थपेड़ों और महकमय आसारे कदीमा की खुदाइयों के सबब खो चुकी हैं। फिर भी इसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में पूजा करने आते हैं। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से में नस्ब मूर्तियां संग तराशी का उम्दा नमूना है। मंदिर के बाहर की तरफ दीवारों पर पत्थर तराशकर इंसानों और जानवरों के मुजस्समे बनाए गए हैं। यहाँ बने इंसानी मुजस्समों, इनके लिबास और जेवरात को देखकर उस दौर के समाज का अंदाजा होता है। यहाँ मंदिर पर होने वाली तज़ईन कारी खजुराहो के मंदिरों पर होने वाली तज़ईन कारी की याद दिलाती है।
ये तज़ीन कारी दुनिया भर की सकाफती मीरासों और तारीखी इमारतों की तज़ीन कारी को टक्कर देती है। मंदिर में पत्थरों की खूबसूरत पॉलिश अपनी तरफ सबकी तवज्जो खींच लेती है। ओरछा दस्तकारी के लिए मशहूर है। ये शोहरत अगर मुनज़्ज़िम शक्ल में और बहुत से लोगों को रोजगार दिलाने के नेक मकसद के साथ काम करे तो हमारे जहन में ताराग्राम का नाम आता है। ताराग्राम यहाँ बरसों से काम कर रही एक एनजीओ है। ये एनजीओ हाथ से कागज बनाने के काम में लगी है। यहाँ तैयार होने वाले कागज के लिए दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। यहाँ बनने वाला कागज ज्यादा महंगा भी नहीं होता। एनजीओ के अहाते में ये काम कई मरहलों में पूरा किया जाता है। ताराग्राम एनजीओ जूट का सामान भी तैयार कराता है। ये जूट का सामान तोहफा देने के लिए बहुत मुनासिब है। यहाँ बनने वाला सामान ओरछा के आदिवासियों के लिए जरियाए माश तो है ही, आबो हवा को आलूदगी से पाक रखने में भी मददगार है। जब ओरछा में गुरुबे आफताब होता है और पानी सुनहरी रंगत इख्तियार कर लेता है तो देखने वालों को ओरछा का एक सुनहरा रूप दिखाई देता है। ओरछा की सैर के इलाके में खजुराहो के मंदिर भी हैं। ये शहर अपने शाही मंदिरों की वजह से मशहूर है। चंदेला सल्तनत के बादशाहों ने 10वीं और 11वीं सदी के दरमियान ये मंदिर तामीर करवाए थे। सन 950 से 1150 के दरमियान 200 साल में इन मंदिरों की तामीर हुई। इस दौरान चंदेला सल्तनत की राजधानी महोबा मुंतकिल हो गई, लेकिन खजुराहो बहरहाल तरक्की करता रहा। ये नंदेश नाथ मंदिर है। ये मंदिरों के साथ एक चबूतरे पर बना हुआ है। दूसरे मंदिरों की तर्ज तामीर के साथ खूबसूरत मुनासबत रखता है। इस खुले हुए बरामदे में शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति रखी हुई है। इस अहाते का सबसे बड़ा मंदिर विश्वनाथ मंदिर है। इसकी तर्ज तामीर में नीम नूरानी अजसाम, अप्सराओं और स्वर्ग सुंदरियों की मूर्तियां शामिल हैं। ये स्वर्ग की रक्कासाएं और हसीनाएं हैं। विद्याधर, गंधर्व, गण और मिथुन को सजावटी नक्शोनिगार के साथ मिला दिया गया है। मूर्तियों के दरमियान मेहनत से तैयार किए गए ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए गए हैं। शिव देवता के नाम पर बना मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी तामीर चंदेला राजा गंगदेव ने करवाई थी। दरवाजे से दाखिल हों तो अंदरूनी इबादतगाह मरकजी महादेव मंदिर तक रसाई होती है। ये आलीशान और खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर भी उसी चबूतरे पर बनाया गया है जिस पर दूसरे दो मंदिर हैं। खजुराहो में कोई किला नहीं है, क्योंकि चंदेला राजाओं ने अपनी सकाफती राजधानी में कभी कयाम नहीं किया। कहते हैं यहां पहले 85 मंदिर थे,
मगर अब सिर्फ 22 बचे हैं, बाकी सब खंडर हो गए। इन मंदिरों की शोहरत जिंसी अफाल की मूर्तियों की वजह से है, मगर ऐसी मूर्तियां सिर्फ एक छोटे हिस्से में हैं। बाकी मूर्तियां हिंदुस्तान के देहाती इलाकों में रहने वालों की जिंदगी की तस्वीर कशी करती हैं। खजुराहो शहर में हमारी अगली मंजिल जैन मंदिर का अहाता है। ये मंदिर खजुराहो के दूसरे मंदिरों की तरह कदीम तो नहीं है, मगर मकामी लोगों के अकीदे और अकीदत की अलामत जरूर माने जाते हैं। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बाईं जानिब बना छोटा सा कमरा अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये जैन फिरके के दानिश्वरों का मंदिर है। मरकजी दरवाजे के बाद एक वसी सहन है जिसमें महावीर जी का मंदिर है। यहां महावीर जी की बहुत बड़ी मूर्ति आसपास के शहरों से आने वाले अकीदतमंदों पर कर्म की बारिश करती रहती है। मरकजी मंदिर के अलावा तीर्थंकरों के नाम पर बनाए गए मंदिरों की एक कतार है। इन मंदिरों की तामीर चंदेला तर्ज़े तामीर की आयनादार है। जैन मंदिर के पास ही मशरिकी मंदिर हैं। इस हिस्से में ज्यादातर हिंदू और जैन मंदिर हैं। यहां पर वाकई पार्श्वनाथ के मंदिर की इमारत सब मंदिरों में नुमाया है। इस मंदिर के घुमावदार मीनार और उन पर बेशुमार मूर्तियां विश्वनाथ मंदिर से मिलती जुलती हैं। दूसरी दीवारों पर मूर्तियों की तीन कतारें हैं जिनमें देवी देवताओं और दूसरी आसमानी मखलूकात दिखाई गई हैं। मंदिरों के अलावा सैयाह मशहूर खजुराहो डांस फेस्टिवल का मजा भी ले सकते हैं जो हर साल मुनक्किद किया जाता है। इस फेस्टिवल में सारी दुनिया से सैयाह आकर शरीक होते हैं। खजुराहो के मंदिर इतने मशहूर और मारूफ हैं कि इनका शुमार यूनेस्को की आलमी विरासत की फहरिस्त में किया जाता है। यही नहीं, इन मंदिरों को हिंदुस्तान के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। सयाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश इस अनोखे शहर में फैले लातादाद मंदिर हैं। इनकी दीवारें बेमिसाल मूर्तियों से सजी हुई हैं। ये मंदिर चंदेला राजाओं की जानिब से दुनिया के लिए एक हसीन फनकाराना तोहफा हैं।